नमः स्पर्शम् देवतम् जहां बाज हम चले छूने आसमां चले अपनी तो बस यही उड़ान है बड़ी शान से चले अभिमान से चले अपनी तो बस यही पहचान है ये आसमां सभी को गुड मॉर्निंग। मैं जयेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो सभी का वेलकम है। चलिए जल्दी से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज मैं स्लाइड लगानी भूल गया। तो सभी का वेलकम है। तो आज हम फाइनल अटैक ऑन एफकैट को हम करेंगे, जिसमें हम आज एफकैट में जो क्वेश्चन है, एक तरीके से पूरा जीएस का रिविजन, वैसे पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन हाँ आज आपको मैं जीएस का पूरा रिविजन कराने के मूड में आया हूँ। ओके, तो जल्दी से चलिए सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाइएगा और सेशन को शेयर और लाइक भी ज़रूर करना है आप सभी लोगों को। यहाँ पे एटलीस्ट 100 स्टूडेंट होने चाहिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओके, ये क्वेश्चन क्या है कि गुप्ता डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल करा है? तो जल्दी से बताइएगा गुप्ता डायनेस्टी। अब देखो ये 1206 से 1290 जो है ना, ये मेरे को लग रहा है स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, ये किसका है? स्लेव डायनेस्टी का ये रूलिंग पीरियड है। और आपको पता है कि स्लेव डायनेस्टी जो थी, इसके जो फाउंडर था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। रियल फाउंडर इल्तुतमिश को कहते हैं। रियल फाउंडर किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को बोलते हैं। फिर आपका इसमें 320 से 600 एडी तक आपका क्या है आता है? आपका आता है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी जो है ये आपके इंडिया का गोल्डन पीरियड इसे हम कहते हैं। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी को। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? श्री गुप्त थे। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? श्री गुप्त थे।
और फिर इसके बाद ये दो और डायनेस्टी हैं, ये आपकी है मेरे ख्याल से, इनके बारे में चलिए आ गया, अभी ध्यान से उतर गया। अब यहाँ पे आप इमेज में आप जो देखोगे, ये आपको जो है ना, जितनी भी सारी डायनेस्टीज हिस्ट्री में रही हैं उनका क्या रूलिंग पीरियड है, ये वो सारी चीज़ आपको आगे मैं दिखा रहा हूँ। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके बहुत काम की चीज़ है, ध्यान रखिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। सबसे पहले हर एक डायनेस्टी किसने फाउंडेशन करी, बिंबिसार ने, नंदा डायनेस्टी उसके बाद आती है महापद्मनंद में, ये इनका टाइम पीरियड। फिर मौर्य डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, ये मौर्य डायनेस्टी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर भारत का फर्स्ट ब्राह्मण रूलर पुष्यमित्र शुंग, इसने शुंग डायनेस्टी की फाउंडेशन करी थी। फिर सेकंड, फिर सातवाहन सिमुक, फिर कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी जो है जिसमें कनिष्क था, कटफिसेसेस, फिर चोला डायनेस्टी, करेकला, वो जो 190 से 60 AD लिखा हुआ था ना इधर, ये आपकी चोला डायनेस्टी है, ठीक है, चोला डायनेस्टी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आप ध्यान से बस पढ़ते रहिएगा और सेशन को ना शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिएगा। फिर गुप्ता डायनेस्टी श्री गुप्त ने करी थी, यही हमारा क्या था, आंसर था। अभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि आपके सामने और क्वेश्चंस आएंगे। तो आप जल्दी से बताओ कि सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ठीक है, करिकला, वसुदेव, सिमूक। तो देखो सिमूक तो आपका किसके फाउंडर है भाई, सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर है। सिमूक तो किसके फाउंडर है, सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर है। करिकला आपके किसके फाउंडर है, चोला डायनेस्टी के फाउंडर है, ठीक है। कराकले आपके किसके फाउंडर है, चोला डायनेस्टी के। विजयालय आपका चोला डायनेस्टी में ही रूलर था। वासुदेव आपका कण्व डायनेस्टी के फाउंडर है, किसके, कर्ण डायनेस्टी के फाउंडर है। सातवाहन डायनेस्टी की जो कैपिटल होती थी वो होती थी अमरावती, सातवाहन डायनेस्टी की जो कैपिटल होती थी अमरावती होती थी। और ध्यान रखना एक चीज़, ध्यान रखना इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी वो कौन सी होती थी, संस्कृत इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती थी, संस्कृत होती थी। यहाँ पे देखिएगा सिमूक, ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी 230 से 220 AD तक, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 230 ईयर्स पहले शुरू हुआ था और जीसस क्राइस्ट के जन्म के 220 वर्ष बाद तक। तो टोटल देखे तो आपका ये 450 ईयर्स तक रही थी, कितनी रही थी, 450 ईयर्स तक। लेकिन इतने स्टूडेंट कम हैं, ये अच्छा नहीं बात है, ठीक है, इतने स्टूडेंट कम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे और डायनेस्टी की बात करें तो यहाँ पे देखो और डायनेस्टी, जैसे चालुकाया डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, पुलकाशेन, पल्लव डायनेस्टी, इनकी ये कैपिटल भी लिखी हुई है, आपसे कैपिटल अगर पूछा जाए तो आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए। पल्लव डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन थे, आपके शिंग विष्णु थे और इनकी कैपिटल थी कांची, जो आपका वो कहा जाता है ना नेपोलियन ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है, वो इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि उसने कांचीपुरम को छोड़ा था। मैं पूजा कर रही है और ना कमरा ना मैंने बंद कर रखा, धुआं धुआं हो रहा है, एक बार ज़रा मैं गेट खोल दूँ, एक सेकेंड, इतना आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो चालुकाया डायनेस्टी के बारे में आपने लिख लिया होगा, चालुकाया डायनेस्टी। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की जो फाउंडर है वो कौन है, दातिदुर्ग है, अगेन इंपॉर्टेंट है, इनकी कैपिटल होती थी महाराष्ट्र में, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, आपके गोपाल, इसी में ही एक धर्मपाल था, ठीक है, इसी में ही एक क्या था, धर्मपाल था, जिसने किसकी फाउंडेशन करी थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन करी थी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये जो गियासुद्दीन बलबन था ये आपका 1265 से 1287 तक इसने रूल करा था, और अपने ये स्लेव डायनेस्टी का ही एक रूलर था। इसके बारे में आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है, ये कौन से पर्सन ने अडॉप्ट करी थी। तो ध्यान रखिएगा गियासुद्दीन बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को इसने क्या करा था, अडॉप्ट करा था। फिर गियासुद्दीन बलबन के बारे में आपसे और क्वेश्चन, आंसर गियासुद्दीन बलबन नहीं है इसका, ठीक है, आंसर इसका गियासुद्दीन बलबन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनल अटैक ऑन एफकेट हो रहा है, तो आज मैं आपको जनरल अवेयरनेस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने जा रहा हूँ, ओके। ये अपने आप को डेप्यूटी ऑफ गॉड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि बोलता था, तो ये अपने आप को क्या बोलता था, नियाबत
नियाबत, ओके, ए खुदाई, ठीक है, नियाबत ए खुदाई अपने आप को बुलाता था और अपने आप को ये पृथ्वी पर अल्लाह की छाया बोलता था, शेडो ऑफ अर्थ, यानी अपने आप को जिल ए इलाही भी ये अपने आप को बुलाता था, जिल ए इलाही। अच्छा, ग्यासुद्दीन बलबन ने अपने दरबार में दो कोर्ट प्रैक्टिसेस को शुरू करा था। दो कोर्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी थी जल्दी से बताइएगा। इसने अपने दरबार में दो कोर्ट प्रैक्टिसेस शुरू करी थी, इन दो कोर्ट प्रैक्टिसेस का अभी आपको नाम बताना है, ठीक है। जहांगीर के बारे में मैं बात करूँ तो जहांगीर ने क्या करा था, जहांगीर के शासनकाल में, यानी जहांगीर का जो रूलिंग पीरियड था, जहांगीर का रूलिंग पीरियड में मुगल आर्ट एंड पेंटिंग, मुगल आर्ट एंड पेंटिंग, ठीक है, मुगल आर्ट एंड पेंटिंग अपने किस पे थी, अपने एकदम हाईएस्ट पीक पे थी, अपने चरम पे थी, ठीक है, हाईएस्ट पीक पे थी, अपने हाईएस्ट पीक पर थी मुगल आर्ट एंड पेंटिंग। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के समय में पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया गया था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो जहांगीर के शासनकाल में आई थी, 1608 में, कैप्टन विलियम हॉकिंस जी। शुभम मिश्रा, आपने बिल्कुल सही बताया सर, सिजदा, एंड पैबूस, ठीक है, सिजदा एंड पैबूस, ये दो थे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। इल्तुतमिश को ना रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने बलबूते पे था। इसे रियल फाउंडर इसलिए कहा जाता है, देखो रियल फाउंडर में क्या होता है कि भाई आपका इस्टेब्लिश किया जाए, फिर इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाया था, इसी वजह से, एक तो ये रीज़न हो गया। फिर आपको पता है ना, इसने सबसे पहले भारत में पहला व्यक्ति था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, कॉइन्स चलाए थे इसने। इसने कौन कौन से कॉइन्स चलाए थे आपको पता होना चाहिए, कि जिट्टल चलाया था जो तांबे का था, और टंका चलाया था जो सिल्वर का था। इसने दो कॉइन्स चलाए थे, जिट्टल और टंका, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये पहला रूलर था और इसे ही फाउंडर माना जाता है। लेकिन अगर रियल फाउंडर की बात करें तो वो कौन होगा आपका, इल्तुतमिश होगा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत जो है आपका, आज का कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, इसलिए आराम से शांति से पढ़ते रहो। दिल्ली सल्तनत जो है आपका पीरियड, ये आपका 1206 से 1290 तक चला है, ठीक है, ओ सॉरी, दिल्ली सल्तनत है ना ये, तो मैं स्लेव डायनेस्टी बता रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत आपका 1206 से लेके आपका 1526 तक चला है, यानी पूरे 320 साल रहा है। अब इस पूरे 320 साल में हमने पांच डायनेस्टी देखने को मिलती है। सबसे पहले गुलाम वंश, जिसे स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, और लास्ट में लोधी डायनेस्टी, जिसका जो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर के साथ लड़ता है, हारा जाता है और मारा जाता है, ठीक है। तो इन सब के आपके फाउंडर लिखे हुए हैं, जैसे स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक डायनेस्टी के ग्यासुद्दीन तुगलक, सैयद डायनेस्टी के खिजर खान, लोधी डायनेस्टी के बहलोल लोधी। ये लोधी डायनेस्टी ये आपकी अफगान डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी ये आपकी क्या थी, अफगान डायनेस्टी थी, यानी पहले अफगान रूलर थे। और भाई सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, ओके, जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक जरूर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रकूटा के फाउंडर कौन थे जल्दी से बताओ। अब तो आंसर आप बता दोगे कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, अब तो आप लोग अभी बता दोगे कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, फटाफट जल्दी से बताओ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा, ओके। हाँ, रियल फाउंडर तो आपका कौन है, इल्तुतमिश है प्रिया, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं वहाँ पे रियल अगर पूछा जाता तो इल्तुतमिश होता, ओके। हाँ तो हाँ बिल्कुल, शुभम मिश्रा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो सही कह रहे हो। तो दांती दुर्ग, सिमूक, पुलकाशेन या विजयालय, तो ध्यान रखेगा दांती दुर्ग नाम है इसका, ठीक है, दांती दुर्ग, ओके, वेरी गुड, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। फिर अगेन ये आपके सामने फाउंडर हैं सारे,
सभी डायनेस्टी के, और उनका लास्ट रूलर भी है, ठीक है। जैसे नंदा डायनेस्टी के महापद्मनंद, लास्ट रूलर धनानंद, मौर्य का चंद्रगुप्त, लास्ट रूलर बृहद्रथ, सातवाहन का सुहुनमुख, राष्ट्रकूटा का दांतीदर्ग, सोलंकी, स्लेव डायनेस्टी, और आपका खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, बहलोल सॉरी लोधी डायनेस्टी और मुगल। तो ये सारे आपके रूलर्स मैं आपको लिखवा रखा है, ठीक है। आपको जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको ये नज़र आएगा। तो अब आपको बताना है कि विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश अजंता एलोरा केव्स। अजंता एलोरा केव्स को किसने बनवाया था, जल्दी से बताएगा। विच डायनेस्टी, ओके चंदना हाउ आर यू, विच डायनेस्टी अजंता एलोरा केव्स, अजंता एलोरा केव्स आपकी किसने बनवाई थी, अजंता एलोरा ओके केव्स जो है ये आपकी किस डायनेस्टी ने बनवाई थी, ओके अजंता एलोरा केव्स, ओके इस्टेब्लिश बाय आपका किसने इसको बनवाया था, ठीक है जल्दी से बताइएगा। अजंता एलोरा केव इस्टेब्लिश बाय विच डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, ओके चंदेल डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ओके तो देखो ये अजंता एलोरा केव्स है ना, ये आपका वैसे तो इनका संबंध आपका किससे है, दाते दुर्ग वाले से यानी राष्ट्रकूटा से है, लेकिन ये सबसे पहले सातवाहन ने बनवाई थी, सबसे पहले सातवाहन डायनेस्टी ने बनवाई थी, उसके बाद आपका ये राष्ट्रकूटाज ने बनवाई थी, ओके तो देवर मेड ड्यूरिंग 100 BCE प्रोबली अंडर द हिंदू पैटर्नेज ऑफ हिंदू सातवाहन डायनेस्टी, ओके। अब यहाँ पे आपके सारे ना टेम्पल्स है लिखे हुए हैं, ठीक है आज आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आपके क्या है, सारे टेम्पल्स, जैसे खजुराहो का टेम्पल किसने बनाया। पीडीएफ चाहिए सभी लोगों को, ये बताओ पहले ये वाली, या स्क्रीनशॉट खींच के काम चलाओगे। खजुराहो का टेम्पल जो है बुंदेल या चंदेल शासक ने बताया था। कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है ये आपका राष्ट्रकूटा में बनवाया था। 1000 खंभों का महल, ठीक है ये वारंगल में कात्यकास ने बनवाया था। रामप्पा टेम्पल कात्यकास ने, बिद्देश्वरा चोला जिसे तंजोर का टेम्पल बोलते हैं, तंजोर एयरबेस में हमारे सुखोई की स्क्वाडन है, स्क्वाडन 222 टाइगर शार्क, ध्यान रखेगा। कैलाश नाथ टेम्पल पल्लव ने बनाया था कांचीपुरम में, ठीक है ओके। शोर टेम्पल आपका पल्लव मल्लापुरम में, बटेश्वर ये गुर्जर प्रतिहार चंबलवाई में, दिलवारा टेम्पल सोलंकीज ने बनाया था माउंट आबू में, हजारा टेम्पल विजयनगर में, विरूपाक्ष टेम्पल चालुकाया, और सन टेम्पल सोलंकी आपका मदेरा गुजरात में। फ्रांसिस्को बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था, फ्रांसिस्को बर्नियर ये एक इटली का यात्री था, ओके हाँ ओके 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 ठीक है ओके जल्दी से जल्दी से बताओ। तो सेशन को यार शेयर और लाइक जरूर करेगा। तो देखो सबसे पहले अकबर के शासनकाल में आया था थॉमस थॉमस मिडल हॉल, ये कहा जाता है पहला ब्रिटिशर था जो जमीन के रास्ते बाहर आता था। जहांगीर के शासनकाल में तो कौन आया था, जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आया था। एक तो इसे विलियम हॉकिंस को ना जहांगीर इंग्लिश खां बुलाता था, क्या बुलाता था, इंग्लिश खां बुलाता था। विलियम हॉकिंस आया था और सर थॉमस रो आया था, और क्या आया था, थॉमस रो आया था, ठीक है। लेकिन शाहजहां के समय में आपका कई सारे आया था, पीटर मुंडी शाहजहां के समय में आया था, ये इतालवी एक नागरिक था, ठीक है। पीटर मुंडी ये भाई शाहजहां के समय में आया था। फ्रांसिस्को बर्नियर, फ्रांसिस्को अब दोनों मेरे ख्याल से ये इटली के थे, ठीक है। फ्रांसिस्को बर्नियर ये भी आपका शाहजहां के समय भारत आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे विजिटर्स मैंने आपके लिए लाया हूँ कि भारत में कौन कौन आया, जैसे मेगस्थिनीज, मेगस्थिनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। फायान, ये फायान किसके समय में आया था, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था 399 AD में। और फिर ह्यूनसांग, ह्यूनसांग किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था। इसने एक बुक भी लिखी है, इस बुक का नाम क्या है, सी यू की बुक का नाम है, और ये कब आया था, 629 AD में आया था, ठीक है। और भाई सेशन को शेयर और लाइक करते हुए जरूर करेगा। अल बरूनी ये पहला मुसलमान था जिसने वेदों को पढ़ा था, ये महमूद गजनी के साथ आया था। इसने बुक लिखी है तहकीक ए हिंद, ये पहला मुस्लिम था जिसने स्टडी करी थी। फिर मार्को पोलो आपका जो आया था साउदर्न इंडिया में रुद्रमा देवी के समय में आया था, जो कात्य का था। इबन बतूता बगल में जूता,
ठीक है, ये भाई आया था नोरा फतेही के देश मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और इसने कौन सी बुक लिखी है, रिहाला इसने बुक लिखी है। ओके ओके सो बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मज़ा आ रहा है ना सभी को, और सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करेगा। फिर सर थॉमस रो आज पढ़ते रहो, ठीक है। सर थॉमस रो ये 1615 में आया था, विलियम हॉकिंस ये 1608 में आया था, ठीक है। इसे इंग्लिश कहाँ बुलाया जाता था, फिर निकोलन कोंटी ये आपका इटालियन मर्चेंट था, ये विजयनगर में आया था। सर सेंट थॉमस ये 52 AD में आए थे क्रिश्चियनिज्म के लिए, सेंट थॉमस 52 AD, इनका चर्च भी है और इनकी वहाँ पे बॉडी भी रखी हुई है, मम्मी भी रखी है। फ्रांसिस्को बर्नियर, ये फ्रांसिस्को बर्नियर जो आया था, अरे मैंने गलत बता दिया, रुको सॉरी मैंने गलत बता दिया, फ्रांसिस्को बर्नियर आपका जो है ना, एक सेकंड, मैंने गलत बता दिया, ये आपका शाहजहाँ के समय नहीं आया था, ये आपका औरंगजेब के समय में आया था, ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी फॉर इट। ओके आपका ये औरंगजेब के समय में आया था फ्रांसिस्को बर्नियर, 1658 से 1671 तक, ओके 12 साल रहा। अच्छा अब ये क्या है, विच अमोंग द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इमिजिएटली आफ्टर दी जलियावाला बाग, जलियावाला बाग के बाद एकदम कौन सी हुई थी। अब देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता है 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी, ठीक है 16 अक्टूबर ओके 1905 को हुई थी। ये इल्बर्ट बिल जो है ना, इसे ना वाइट म्यूटिनी भी बोलते हैं, ये 1884 में हुई थी, जिसमें इंडियन मजिस्ट्रेट अंग्रेजों को सजा सुना सकता है। अरे एटलीस्ट यार 100 पीपल तो कर दो, इतना बढ़िया आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, एटलीस्ट 100 पीपल तो कर दो। फिर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स तो आपका 1909 में आया था, ठीक है। रॉल एक्ट एक्ट 1919 में था, तो रॉल एक्ट एक्ट के विरोध में ही तो एक सभा का आयोजन हो रहा था आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ये मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। अब यहाँ पे जरा कुछ इवेंट देखिएगा, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई थी, वो 1906 में कांग्रेस का सेशन जो है वो दादा भाई नेहरू जी ने इसमें प्रेजाइड करा था, जिसमें स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। 1907 में कांग्रेस दो सेशन में बट गई थी, और ये कांग्रेस का सेशन सूरत में हुआ था जो ताप्ती नदी के किनारे है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खान थर्ड ने नहीं करी थी, सलीम उल्ला खान ने करी थी 1906 में ढाका में। फिर 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट आता है, फिर गदर मूवमेंट लाला हरदयाल द्वारा 1913, फिर आपका कोमा गाथा मारू केस होता है, ये एक जहाज था जो कनाडा गया था और अंग्रेजों के कहने पे कैनेडियन अथॉरिटी ने उस जहाज को एंटर नहीं करने दिया था, इसकी 100 साल बाद माफ़ी भी मांगी थी। और फिर 1960 में तिलक ने होम रूल मूवमेंट शुरू करी थी और स्वराज की मांग की थी। उसी साल एनी बेसेंट ने भी क्या करा था, होम रूल मूवमेंट की शुरू करी थी आपकी कहाँ पे, मद्रास के एडीआर में, ठीक है। फिर लखनऊ सेशन होता है 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार इसमें अध्यक्ष होते हैं, और कांग्रेस और के जो गरम दल और नरम दल थे वो दोनों एक साथ आ जाते हैं, साथ ही मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी हाथ मिला देते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में आपका क्या होता है, 1919 में आपका मोंटेगू चेम्स रिफॉर्म आता है, जिसके अंडर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाती है। फिर गांधी जी 3 सत्याग्रह करते हैं, जिसमें आपका चंपारण सत्याग्रह जिससे अब उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी, खेड़ा सत्याग्रह जब उन्हें गुजरात में उन्होंने जबरन जो टैक्स लिया जाता था उसके अगेंस्ट, ओके, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। फिर फरवरी में रॉयल एक्ट सत्याग्रह 1919 शुरू होता है, इसके अंडर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन दो व्यक्तियों को जिनको गिरफ्तार किया जाता है उनके विरोध के सभा में 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग में एक मीटिंग आयोजन की जाती है, और जिससे क्या होता है आप सभी जानते हैं वहाँ पे क्या घटित होता। फिर 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को खिलाफत मूवमेंट और जो है खिलाफत कमेटी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर देती है। क्यों? क्योंकि हिंदू जलियावाला बाग का जस्टिस मांगते थे, मुस्लिम आपका खिलाफत का। तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई थी, इस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होती है। फिर 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, वो भारत आता है, और जब वो भारत आता है तो फिर इंडिया वाले क्या करते हैं, 1929 में डिक्लेयर कर देते हैं पूर्ण स्वराज्य, और फिर उसके बाद 1930 में आपका क्या होता है, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू करते हैं,
भाई सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उससे पहले फिर यहाँ पे और चीज़ें हैं कि भाई ये पूरी हिस्ट्री फाइनल अटैक है ना, लेकिन यार बच्चे बहुत कम हैं सीरियसली। 12 नवंबर 1930 को पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, ये सभी आप लोगों को मैं पेड बैचेस में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर आपका 23 मार्च 1931 को भगत सिंह ट्रायल होता है, यानी उन्हें फांसी दी जाती है। 29 मार्च 1931 को कराची सेशन होता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई सेट क्या कहते हैं अध्यक्ष होते हैं। इसमें ना गांधी इरविन पैक्ट को हामी दी जाती है, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की जाती है और भारत के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की जाती है। फिर 7 सितंबर 1931 को आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं। 16 अगस्त 1932 को आपका कॉम्यूनल अवार्ड या राम से मैकडोनल्ड अवार्ड आता है, जिसमें मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, दलित वर्ग को आपका क्या दिया जाता है, आरक्षण, सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। और गांधी जी इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। गांधी जी इसके अगेंस्ट क्या कर देते हैं, भूख हड़ताल के पे बैठ जाते हैं। तो फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में क्या होता है, पूना समझौता होता है। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और उसके बाद भारत आज़ादी की राह पे बढ़ जाता है। तो भाई सेशन को शेयर और लाइक जो करेगा, तो हिस्ट्री ख़त्म, ज्योग्राफी पे आओ। तो आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है लगता है। पिंकी सिन्हा, प्रिया कुंद्रा, आदिति पांडे, आज आपको लोगों को इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ज़्यादा पढ़ा दिया क्या। बांग्लादेश डज नॉट शेयर बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, आपको बताना है कि बांग्लादेश कौन से राज्य के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। वेस्ट बंगाल के साथ बनाता है, त्रिपुरा के साथ बनाता है और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में से किसके साथ बनाता है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स। बांग्लादेश डज नॉट शेयर बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश किसके साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, आपकी लेंथ दे रखी है, तो सबसे ज़्यादा लेंथ हमारी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान और फिर लास्ट में अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे लंबी क्या है, बाउंड्री, यानी टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ हमारी बाउंड्रीज़ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इंडिया की बाउंड्रीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, कौन सी किसके साथ है, टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ है। और कोस्टल लाइन हमारी कितनी है, आपकी कोस्टल लाइन हमारी है 7516 इंक्लूडिंग आइलैंड्स, और हमारी टोटल लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर है। हमारी टोटल लैंड बाउंड्री कितनी, हमारी 15,200 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में लगता है, खैर अब जम्मू कश्मीर नहीं होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि चाइना के साथ अब हमारा कौन सा जुड़ता है, चाइना के साथ अब हमारा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख जुड़ता है, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान के साथ कौन सी मिलती है, आपकी म्यांमार के साथ कौन सी मिलती है, नेपाल के साथ कौन सी मिलती है, पाकिस्तान के साथ कौन सी मिलती है, पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर तो होगा, जम्मू कश्मीर के साथ साथ यहाँ पे लद्दाख भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ यहाँ पे आपका लद्दाख भी ऐड करना पड़ेगा। और सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। एयरफोर्स की जीके क्यों नहीं ले रहे हो, और सर वो थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है, नहीं तो हम डेफिनेटली लें, ठीक है। हाँ भाई ये जरा बताओ कि मैत्री जो एक्सरसाइज है इंडिया की वो कौन से देश के साथ होती है, तो जल्दी से बताइएगा। हाँ जल्दी से बताओ आप कि इंडिया ने जो जो मैत्री एक्सरसाइज है इंडिया की वो कौन से देश के साथ है, थाईलैंड के साथ है, भूटान के साथ है, चाइना के साथ है, नेपाल के साथ है, जल्दी से बताओ। इंडिया कंडक्टेड मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज है कौन से देश के साथ है, थाईलैंड के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैत्री का भैया थाईलैंड के साथ, किसके साथ है, थाईलैंड के साथ, ओके यस प्रिया। चाइना के साथ तो हमारी हैंड इन हैंड है, नेपाल के साथ हमारी सूर्य ग्रहण है। तो यहाँ पे आपके सामने इंडिया की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो हैं, ठीक है। तो जैसे नोमेंडिक एलिफेंट आपके मंगोलिया के साथ है, ट्राइगर ट्रायम्फ आपके यूनाइटेड स्टेट के साथ है, छांगठा आपकी चाइना के साथ है, लद्दाख में सिमटेक्स आपकी इंडिया
थाईलैंड सिंगापुर इक्वेरियन मालदीव के साथ युद्ध अभ्यास, यूएसए के साथ मैत्री, थाईलैंड के साथ मालाबार, यूएसए जापान, इसमें अब आपका ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया है, ठीक है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया है। इंडो थाई कॉर्पोरेट इंडिया और थाईलैंड के बीच, फिर कैज हिंद भारत और कजाकिस्तान युद्ध, आपका युद्ध अभ्यास आपका यूएसए के साथ हैंड इन हैंड चाइना के साथ, गरुड़ा आपका फ्रेंच आर्मी, अल नजा ओमान, संप्रीति बांग्लादेश, और ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। पॉली उमरगिर अवार्ड किसे दिया गया है? तो पॉली उमरगिर अवार्ड आपका जसप्रीत बुमराह को मिला है। रानी रामपाल को तो आपका क्या मिला था, वर्ल्ड एथलीट अवार्ड, और आपका भारत रत्न खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, और साथ ही साथ बेन स्टोक को तो आईसीसी प्लेयर का अवार्ड मिला था, ठीक है। पॉली उमरगिर अवार्ड आपका जसप्रीत बुमराह को मिला था। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ईयर अवार्ड रानी रामपाल पहली हॉकी प्लेयर है जिन्हें ये मिला है। उसके बाद बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजुम चोपड़ा को मिला, कर्नल सी के नायडू कृष्णचारी श्रीकांत को मिला, और बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर पूनम यादव को मिला, और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड विराट कोहली को मिला, ठीक है। फिर ODI प्लेयर, ये सारी चीज़ें हैं। फिर कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्वीडन की राजधानी ग्रेटा थनबर्ग आपको पता है स्वीडन की है, ग्रेटा थनबर्ग आपकी स्वीडन की है, स्वीडन के ही ना रॉजर फेडरर हैं। रॉजर फेडरर ऐसा पहला व्यक्ति है जिसका जीते जीते हुए जिसकी क्या बनाई गई है सिक्कों पे जिसका इमेज आएगा। तो इसकी राजधानी आपकी स्वीडन की कौन सी है, आपकी स्टॉकहोम है। हेलसिंकी आपकी किसकी राजधानी है, फिनलैंड। फिनलैंड को बोला जाता है हजार झीलों का देश, फिनलैंड को क्या बोला जाता है, हजार झीलों का देश बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा ओस्लो किसकी कैपिटल है, ओस्लो आपकी नॉर्वे की कैपिटल, नॉर्वे को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है, सना मरीन है, जो विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है, सना मरीन है, जो विश्व की सबसे कम उम्र की क्या है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। जल्दी से भाई सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करो। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओके, स्टॉकहोम कैपिटल ऑफ सर्बिया, सर्बिया की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सर्बिया, बुचारेस्ट, प्राग, बूटापेस्ट या बेलाग्रेड। ओके, कैपिटल ऑफ सर्बिया, सर्बिया की कैपिटल बताइएगा क्या है, जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों, सर्बिया की कैपिटल क्या है। ओके, हाँ जल्दी से बताइएगा। अरे वो 2019 का है इस वजह से वो आपको हो रहा है, ठीक है। वो दूसरा, वो डेकेड वाला जो आपको बता रहे हो ना, वो आपका डेकेड वाला है। सर्बिया, सर्बिया के नोवान दोजोविक है। ओके, सर्बिया के कौन है, एक प्लेयर नोवाक, नहीं हाँ नोवाक दोजोविक है। तो सर्बिया की जो कैपिटल है वो क्या है, आपके बेलाग्रेड, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। सर्बिया, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जल्दी से बताइएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ओके, तो वो उत्तर प्रदेश में से तो नहीं गुजरती है बिल्कुल भी, ठीक है, आंध्र प्रदेश से में भी नहीं गुजरती है, और राजस्थान जगह मिजोरम, ओके, और मणिपुर से भी नहीं, लेकिन ये भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कोंकण कोस्ट किसके तट को कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। कोंकण कोस्ट किसके तट को कहा जाता है, मैं आज आपको समय नहीं दूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन फटाफट करते चलना चलना है। जय हिंद यदुष यादव, तो कोंकण कोस्ट किसके तट को कहा जाता है, येशु वेलकम बहुत दिनों बाद। तो महाराष्ट्र और गोवा के तट को आपको क्या बोला जाता है, कोंकण कोस्ट कहा जाता है। ओके, कोंकण कोस्ट किसे कहा जाता है, महाराष्ट्र और गोवा के तट को आपका क्या बोला जाता है, कोंकण कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगा, ये देखो गुजरात के कोस्ट को आपका काठियावाड़ बोला जाता है, कोंकण कोस्ट आपका महाराष्ट्र का होता है, कन्नड़ कोस्ट आपका कर्नाटका का होता है, और कन्याकुमारी या मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट आपका किसका होता है, केरल का होता है, कोरोमंडल कोस्ट आपका तमिलनाडु का, आंध्रा कोस्ट आपका आंध्र प्रदेश का, और उड़ीसा का उत्कल कोस्ट। सबसे लंबा तट आपका गुजरात का है, देन है आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु। ओके, इस तरीके से ध्यान रखेगा और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी मदद से होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन
बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्ट का, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी मदद के कारण होता है? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके हाँ ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ होता है? हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट या ल्यूकोसाइट, जल्दी से बताइएगा। ओके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो लिम्फोसाइट्स तो आपकी एंटीबॉडी बनाती हैं हमारे, ये एक प्रकार की वो होती है, क्या बोले तो एक प्रकार की लिम्फोसाइट्स वो होती हैं, WBC का टाइप होता है। ल्यूकोसाइट्स जो है ये आपका WBC होती है, थ्रोम्बोसाइट्स आपका प्लेटलेट्स होती है। दरअसल ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ना गलत कर दिया, हीमोग्लोबिन से RBC बनी होती है मेनली, इसका RBC, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन ही होगा। ओके फैट हमारे शरीर में किस में स्टोर रहता है? इन ह्यूमन बॉडी फैट आर स्टोर्ड इन एडिपोसाइट, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तो आपका स्किन होती है, ठीक है, एपिथीलियल सेल्स होते हैं, एडिपोस्ट साइट्स, ठीक है, तो फैट आपका कौन से सेल में रहता है? एडिपोज साइट्स में रहता है। ओके ओके स्कर्वी किसके डिजीज से होता है? देखो विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा डिजीज हो जाता है? दो, बच्चों में रिकेट्स होता है, ठीक है, बच्चों में रिकेट्स होता है, और बड़ों में कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन के आपका क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है विटामिन के की कमी से। ई, विटामिन ई के बारे में है, इससे ये एंटी स्टेराइल होता है, इससे बांझपन हो जाता है, एंटी स्टेराइल, ठीक है, एंटी स्टेराइल हार्मोन बोलते हैं इसे। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा विटामिन सी। ओके विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा मेटल? इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंसुलिन जो है एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ओके तो विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा मेटल होता है? ओके विच मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, ओके मेटल जो होता है इंसुलिन में वो कौन सा होता है, ठीक है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका कौन सा होता है? इंसुलिन में आपका मैग्नीशियम होता है, ठीक है, क्या होता है आपका? मैग्नीशियम होता है, ध्यान रखिएगा। ओके वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिसऑर्डर विद द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन हाई, अगर हमारे शरीर में हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज, वैसे हमारी ब्लड ग्लूकोज होती है 100 mg to 120 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, पर डेसीलीटर होती है, तो अगर हमारे शरीर में 120 मिलीग्राम से ज़्यादा होती है तो उसे हमें डायबिटीज़ या हाइपरग्लाइसीमिया हम इसे बोलते हैं। फिर सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है? देखो नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी बोलते हैं विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन विटामिन B9 की कमी से होता है, ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या होता है? आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। दरअसल जो शुगर का पेशेंट होता है ना उसका आपका उसको ये हीमोफीलिया का डिजीज़ हो जाता है। हीमोफीलिया आपका रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। ओके स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ओके डिजीज़ जो होता है स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, इसे क्या होता है? ल्यूकेमिया तो देखो आपका क्या होता है, ये आपका ल्यूकेमिया तो होता है आपका ब्लड कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर इसे हम बोलते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, द डिजीज, ठीक है, द डिजीज ओके कॉज्ड बाय, ठीक है, कॉज्ड बाय स्वेलिंग, ओके स्वेलिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्वेलिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो ये आपका क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मेम्ब्रेन,
तो ये आपका क्या होता है इन्फ्लेमेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सिलोरेसिस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, स्केलोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट फिट इन द सेल थ्योरी, तो आपका जो सेल थ्योरी में कौन सा फिट नहीं बैठेगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजा या प्लांट्स, तो ये आपका वायरस नहीं बैठेगा, क्योंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, ये आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, तो वायरस नहीं बैठेगा। ठीक है, नॉन लिविंग। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ये आपका स्किन होती है और ये आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लिवर। ठीक है, और पिट्यूटरी आपका मास्टर ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी आपका क्या होता है, मास्टर ग्लैंड होता है। ठीक है, ये इस चीज़ से याद रखिएगा, ये आपका क्या होता है, मास्टर ग्लैंड होता है, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। अगला क्वेश्चन, लॉक जॉ डिजीज और डिसऑर्डर, तो भाई ये आपका टिटनस के कारण होता है, टिटनस के कारण आपका क्या होता है, लॉक जॉ डिजीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नॉन एज बॉडी बिल्डर, तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डर, डब्बे नहीं खाते, ठीक है, कहता बॉडी बना रहा है डब्बे खा के, ये प्रोटीन होता है, ये दरअसल क्या कहता है, हमारे शरीर में मसल्स को बनाता है, किसको बनाता है, मसल्स को बनाता है, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का आपका जीवन काल आपका 7 दिन का होता है, और प्लेटलेट्स का आपका जीवन काल आपका कितना होता है, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो आपका होता है 5 दिन, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 5 दिन, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 5 डेज जीवन काल होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेलुलोज, सेलुलोज जो है अगर आपने देखा होगा, चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक चीज़ डिफरेंट होती है, वो होती है सेल वॉल, तो जो सेल वॉल बनी होती है ना वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल जो बनी होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, तो देखो हिस्टोलॉजी आपका क्या होता है, टिश्यू की स्टडी को बोला जाता है। ठीक है, ओके, फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ओके, इसको होता है ह्यूमन बॉडी, और आपका फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी आपका मोटर, मोटर जो हमारे जोड़ हैं हड्डियों से, मोटर और बोन, और साइटोलॉजी इसका आंसर है। व्हाट इज़ द राइट, हु हैज़ द राइट डिसाइड ए बिल, मनी बिल और नॉट, देखो मनी बिल आपका 110 में दे रखा है, आज आपको सारे फ्लेवर मिल गए, और इसका जो निर्णय है वो कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, इसका निर्णय जो करते हैं वो कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। फिर ऑल इंडिया सर्विस जो होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312L में आता है, जिसमें IAS, IPS, IFS होते हैं, तो ये जो IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स होते हैं, ये स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों में ही वर्क करते हैं, ये स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों में ही वर्क करते हैं। और भाई अभी 13 लाइक रह गए हैं बस आपका 100 होने में, तो एटलीस्ट 100 लाइक तो वो कर ही दो। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है नहीं, क्योंकि ये तो आर्टिकल 47 में है, ये आर्टिकल 39 में है, ये आर्टिकल 39 क्लॉज 1 में है। ओके, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। हु ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसे कहा जाता है, स्टेट में, ध्यान रखिएगा स्टेट में, तो वो कौन होंगे आपके, चीफ मिनिस्टर होंगे, अगर सेंट्रल की बात करें तो वो कौन होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ओके ओके बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ध्यान रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कितनी हैं, 11, पहले ये 10 हुआ करती थी, लेकिन जब वो राइट टू एजुकेशन डाला था तो उसमें हर पेरेंट्स का ये अधिकार दिया गया था कि अपने बच्चों को वो शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, विच काइंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी, तो वो 3 टीयर सिस्टम था, ओके, विलेज लेवल पर, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पर, और
और उसके बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ओके, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो तीन बेसिस पे इसे करा गया था। आगे बढ़ता है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर्स आफ्टर 2 ईयर्स। तो राज्यसभा के जो सदस्य है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल सबसे बड़ा होता है 6 वर्ष का होता है, और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। हर 3 साल पे इसके 1/2 सदस्य बदल दिए जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को डिक्लेयर करता है, लेकिन वो अपने आप को कम्युनिस्ट डिक्लेयर नहीं करता है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो है, लेकिन अपने आप को कम्युनिस्ट डिक्लेयर नहीं करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। अगला क्वेश्चन, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने आइटम है? देखो शेड्यूल 7 है, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 है। इस शेड्यूल 7 में आपके ना, ठीक है, इस शेड्यूल 7 में आपके क्या दे रखे हैं, लिस्ट दे रखे हैं, यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, और आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट दे रखी है, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान देखो, देखो जो यूनियन लिस्ट है ना, जो यूनियन लिस्ट है, इसमें पहले पहले इसमें 97 सब्जेक्ट होते थे, ठीक है, अब कितने हो गए हैं, 101 हो गए हैं, 101 हो गए हैं। फिर स्टेट लिस्ट में आपके पहले कितने होते थे, पहले आपके इसमें होते थे 66 होते थे, अब ये कितने हो गए हैं, 61, कम हो गए हैं। और इसमें 47 होते थे, और अब कितने हो गए हैं, 52 हो गए। तो यहाँ पे पूछा गया कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं, तो 52 हैं इसमें, इसमें कितने हैं, 52, ओके, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं, 52। और देखो मैंने आपको सारा करा दिया, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 74 में दे रखा है, ठीक है, आर्टिकल 74। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, प्रेसिडेंट के लिए, ओके। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन, ओके, केल्विन यानी आपका जो हो जाएगा -273.16 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही बंद हो जाती है, तो रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, ओके। चलो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मैक्सिमम, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड किसमें, वैक्यूम तो मैं तो बिल्कुल शून्य होगी, जीरो होगी, क्योंकि साउंड क्या एक मैकेनिकल वेव है, तो सबसे ज़्यादा किसमें होगी, मेटल में, और मेटल में भी किसमें सबसे ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम में, ओके, एल्यूमिनियम में सबसे तेज होती है साउंड ऑफ स्पीड, जो 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैक्टर क्वान्टिटी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारी वैक्टर क्वान्टिटी है, लेकिन वॉल्यूम एक स्केलर क्वान्टिटी है, तो यही आपका आंसर है, वॉल्यूम क्या है आपका, एक वैक्टर क्वान्टिटी नहीं है, बिल्कुल, ओके। आइंस्टीन को जो नोबल प्राइज़ मिला था वो किस लिए मिला था, तो आइंस्टीन को जो नोबल प्राइज़ मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, ना कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, ओके। आइंस्टीन को जो नोबल प्राइज़ मिला था वो किसके लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, ओके। अगर जब कोई लाइट वेव पास करती है एयर टू ग्लास, ठीक है, तो उसकी हर चीज़ बदल जाती है, लेकिन उसकी कभी फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी तो बदल ही जा सकती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी जहाँ नहीं बदलेगी, तो फ्रिक्वेंसी जहाँ है तो ये तो कभी नहीं, तो उसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पेंडुलम क्लॉक, जो पेंडुलम क्लॉक है वो कब फास्टर चलेगी, तो फास्टर वो तब चलेगी जब उसकी लेंथ कम होगी, लेंथ कब कम होगी, तो विंटर में होगी, क्योंकि समर में तो लोहा फैल जाता है। अच्छा, पेंडुलम क्लॉक जो वर्क करती है ग्रेविटी में, तो इक्वेटर पे धीरे चलेगी, पोल्स पे फास्ट चलेगी, ध्यान रखिएगा, इक्वेटर पे धीरे चलेगी, पोल्स पे फास्ट चलेगी, और अगर हम चंद्रमा पे ले जाएं तो वो स्मॉल हो जाएगी, चंद्रमा पे हम ले जाएं तो वो हो जाएगी स्मॉल हो जाएंगी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन में, आफ्टर एंटरिंग इन द बांग्लादेश गंगा किस नाम से जानी जाती है, तो माता गंगा जो है ना वो आपका किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा आपका किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्रा, जमुना नेवर से जानी जाती है, दोनों जब मिल जाती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोगों को मज़ा आ रहा है सेशन में, जरा ये बताओ, ओके, आर यू लाइकिंग दिस सेशन और नॉट,
बताओ, मजा आ रहा है सेशन में, नहीं आ रहा है, या ऐसे ही सर के ऊपर से जा रहा है? फास्ट तरीके से क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, ठीक है? फास्ट तरीके से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्नल इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है जब दिन रात की अवधि दोनों क्या है, बराबर हो। अभी मार्च में आएगा ये, ठीक है? इस दिन हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी मनाते हैं। इस दिन हम क्या बुलाते हैं? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी मनाते हैं, ठीक है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी मनाते हैं, ओके। 21 मार्च को दिन और रात की अवधि, 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात की जो ड्यूरेशन है वो दोनों की बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट मूव अपोजिट डायरेक्शन टू द सोलर सिस्टम? देखो दो प्लैनेट है, ये सैटर्न जो है ना सबसे हल्का ग्रह है, इसे येलो प्लैनेट बुलाते हैं, ठीक है? क्या बुलाते हैं? येलो प्लैनेट बुलाते हैं, सबसे हल्का ग्रह है, ठीक है? ओके, सबसे हल्का ग्रह है और इसे येलो प्लैनेट बुलाते हैं, ओके ओके। और ठीक है, और यूरेनस जो है ना, यूरेनस और वीनस, यूवी, ये अपोजिट रोटेट करते हैं, और यूरेनस को आपको ग्रीन प्लैनेट भी बुलाते हैं, ठीक है? ग्रीन प्लैनेट और लेटावा प्लैनेट भी इसे हम बुलाते हैं, ठीक है? और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कैस्पियन सी की बाउंड्री कौन से देश से टच नहीं करती है? जल्दी से बताओ, कई बार पढ़ाते हुए बताया है, पेड बैचेस में स्टूडेंट को बताया है, ठीक है? कैस्पियन सी, तो रितिका ध्यान रखेगा, तो रितिका रशिया, आई फॉर ईरान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, लेकिन यहाँ पे यूक्रेन तो आया ही नहीं है, ठीक है? तो यूक्रेन से वो टच नहीं होती है, ओके, यूक्रेन से वो टच नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही आशा करता हूँ। तो देखो ना, अब अगर आप हमारे कोई भी पेड बैच, वैसे दो बार से ये है कि ना, जीएस का कोर्स मेरा जो पढ़ाने का है ना, वो बहुत थोड़ा डिटेल्ड वाइज होता है, तो इसलिए अभी से ही हम CDS का बैच लेके आ गए हैं, ठीक है? ये पूरा फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट बैच है। इसमें GS समझ लीजिएगा 3-4 महीने लगेंगे इसे कंप्लीट होने में, ठीक है? कोई GS का खेल बच्चों का है नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा 2 महीने के टाइम में। तो जिनको CDS सेकंड के लिए प्रिपरेशन करना है, इस बैच को ज्वाइन कर लो भाई। Capital U 191 पे आपको 77% डिस्काउंट मिलेगा, और पूरा डिटेल वाइज पढ़िएगा, और इसमें जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो आप इवन PCS या UPSC का कोई भी एग्जामिनेशन देंगे ना, उसके लिए भी है। तो ये तो IMA, INA और AFOS के लिए है, और केवल जिन्हें OTA के लिए करना है तो ये है। तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ कोड Capital U 191। मैं मिलता हूँ आपसे कल, और ध्यान रखिएगा इसकी जो लेक्चर की PDF है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, और आपसे मैं मिलता हूँ कल। धन्यवाद, बाय बाय। जहाँ बाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही उड़ान है। बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है।